मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बड़ा ही सुंदर दिव्य सुंदर कांड का आयोजन किया गया। अर्थ न्यूज के संवाददाता श्री करतार सिंह बघेल जी के पुत्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुबह 10 बजे से सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथाओं का रसास्वादन करतार सिंह बघेल जी ने एवं उनके सब परिवार ने और निकट के श्रद्धालुओं ने सुना। और साथ में सुंदर कांड का आयोजन शाम 4 बजे से हमारे वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा करतार सिंह बघेल जी एवं उनके परिवार जितने भी निकट के श्रद्धालु हैं सब ने उस सुंदरकांड का भी आनंद लिया और बहुत दिव्य आनंद लिया। क्योंकि संसार में कहा गया है, हनुमान जी को कहा गया है, हनुमान जी कौन है? बोले प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। ये तो रसिया हैं। जिस कथा कहीं भी कथा होगी, देखो व्यक्ति कैसा श्रोता होता है कि करतार सिंह बघेल जी के यहाँ पर सुंदरकांड हुआ तो उसमें जिन व्यक्तियों ने सुनी सुंदरकांड की कथा केवल वही सुन सकते हैं। लेकिन हनुमान जी तो ऐसे श्रोता है कि करतार सिंह बघेल जी के जहाँ पे भी सुंदरकांड में उपस्थित थे, अन्यथा पूरे भारतवर्ष में या पूरे त्रिलोकी में कहीं पर भी सुंदरकांड हो रहा होगा वहाँ पर हनुमान जी साक्षात विराजमान होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं आगरा के। जी सुभाष जी, कहीं ना कहीं सुंदरकांड का पाठ आप निरंतर आयोजन करते हैं, एक मन को कितनी तसल्ली होती है सुंदरकांड? देखिए जी, मन को इतनी तसल्ली होती है क्योंकि यदि इस कलयुग में कोई देव हैं तो वो हनुमान जी हैं, जो कि चराचर हैं और सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं, जो भी इनका हनुमान चालीसा सुंदरकांड रामायण से नाम लेते हैं। आज यहाँ आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझको बड़ी खुशी हुई है, खासकर इस बात की कि अर्थ न्यूज के करतार सिंह बघेल जी ने अपने घर आंगन में ये सुंदरकांड का पाठ रखा। और बड़े ही कम लोग होते हैं जो इस प्रकार ये आयोजन बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से करवाते हैं। श्री राम जय राम जय।